नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियोस में मैं तीन और नए स्टॉक्स जो कल के इंट्राडे के लिस्ट में आपको डेफिनेटली रखना है, फॉलो करना है बाय और सेल के लिए, वो बताऊंगा। प्लस जो पिछले मैंने वीडियोस में जितने भी स्टॉक्स बताए उसमें से दो तीन स्टॉक्स अभी भी होल्ड कर सकते हो अगले दिन के लिए वॉच लिस्ट में, वो भी बता दूंगा। और जो भी मैं स्टॉक्स सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, वो डेफिनेटली मेरे बहुत सारे सिलेक्शन क्राइटेरिया पास करके सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो आपको बहुत आसानी से ये तीन चार स्टॉक्स मिल रहे हैं जिसको आप आसानी से ट्रैक कर सकते हो हर दिन, पूरे दिन के लिए। तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेंगे और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अगर इसमें कोई ट्रेड करना चाहते हो तो डेफिनेटली पहले आप खुद चार्ट एनालिसिस करके आप कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आपके हेल्प के लिए। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर चार्ट्स में मिल जाते हो तो आपके लिए भी बेहतर है, मेरे मुझे भी स्टडी मिल जाता है, मैं भी स्टडी कर लेता हूँ, वही कर रहा हूँ। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, ये टॉपिक अच्छा लगता है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे, और इस वीडियो को एंड तक देखिए, कोई भी चीज़ मिस मत कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की बात की थी सन टीवी, सन टीवी देखिए कल ही बताया था कि कल ब्रेक डाउन कर चुका है चैनल को और उसको नीचे क्लोज किया है, तो आज तो डेफिनेटली नज़र रखना है। कल की वीडियो आप डेफिनेटली मेरे कार्ड से देख लेना क्या बताया था। तो डेफिनेटली देखिए आज भी वो स्टॉक्स नीचे चले और आज मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहे थे, एक रेंजिंग में रहे थे और ऊपर 10,900 के जो लेवल से बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस है इस वक्त के लिए, और नीचे 10,800 की क्रूशियल सपोर्ट है। इसीलिए मार्केट थोड़ी सी अभी इनडिसिजन में आज ट्रेड किए हैं। सो सन टीवी आपको नीचे की स्तर पे 420 तक टारगेट मिल सकते हैं, तो यहाँ तक देखिए। ऊपर 440 के ऊपर आप स्टॉप लॉस रख के इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें कोई नया चीज़ नहीं बताऊंगा। तो आज से ये सन टीवी मेरे पोजीशन क्लोज हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक्स कोलपैल, देखिए कोलपैल में कोई आज भी वो रेंज था, कल भी रेंज था, तो डेफिनेटली ये पोजीशन की तैयारी कर रहा है, तो डेफिनेटली इसको वॉच आउट रखिए। कोलपैल 1350 तक जा सकते हैं, ये नीचे भी आने की कोशिश नहीं कर रहा है, ऊपर भी अगर नीचे आता है तो 1290 से 1280 रुपये तक आपको मिलते हैं, तो आप फिर से इसमें बाई डाल सकते हो, थोड़ी सी पोजिशन मतलब स्टॉक्स ऐड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। तो ये अच्छी स्टॉक्स है, थोड़ी सी पोजीशन होगी क्योंकि हमेशा FMCG की स्टॉक्स उतनी रिएक्टिव नहीं होते हैं रोज, तो डेफिनेटली कोलपैल को आप फॉलो रखिए। ग्रासिम की बात करूँ, तीन चार दिन से बता रहा हूँ ग्रासिम, देखिए आज जो हुआ है ये नीचे की जो ट्रेंड लाइन है ट्राइंगल के, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके आसपास आ चुके हैं। अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो एक मौका बनेगा, 680 इसका पहला सपोर्ट होगा, 680 तक आप पहला टारगेट ले सकते हो। अगर ये नीचे ब्रेक डाउन करता है, मार्केट भी नीचे मतलब नेगेटिव चल रहा है, एक चीज ध्यान रखिए मार्केट की डायरेक्शन देख लीजिए, पहले 15-20 मिनट कम से कम मार्केट को वॉच कर लीजिए, और उसके साथ साथ मेरा जो वॉचेस है उस स्टॉक को आप जैसे जैसे मैं यहाँ पे आपको ड्राइंग करके दे रहा हूँ वैसे ही करके आप उसमें भी ड्राइंग करके रखिए अपने चार्ट्स को, और वैसे ही फॉलो कीजिए। अगर नीचे टिकता है आधा घंटे या आप अगर कैंडलस्टिक पैटर्न समझ सकते हो तो और भी अच्छा है, तो उससे आप सेल करके 680 तक पहला टारगेट रख सकते हो। अगर ये यहाँ से फिर से घूमा तो फिर से अपर चैनल की ऊपर मतलब अपर ट्रेंड लाइन जो है उस लाइन के आसपास जाने की फिर से कोशिश करेगा, और 720 तक और या 725 तक फिर से जाने की कोशिश करेगा, फिर जाके फिर रेंज हो सकता है, या तो ऊपर जाके ब्रेकआउट करने के लिए तो कोशिश कर सकता है। अगर इस यहाँ पर सपोर्ट लेके ही ऊपर जाने की कोशिश करें तो 725 तक आप इसको फिर से टारगेट ले सकते हो बाई पे। अगर नीचे ब्रेकडाउन होता है तो 680 आपका पहला टारगेट होगा। ग्रासिम को कल के वॉचलिस्ट में रख देना। बैंक बड़ौदा कल ही बताया था, कल के वीडियोस देख लेना कि अभी तो फिलहाल एक छोटी सी डब्लू बना रहा है, कल ही बताया था कि ये जो सपोर्ट को बीच करके इसने नीचे आया है तो ये उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो आपको देख रहा है कि उस रेजिस्टेंस में जाके ये क्या कर रहा है, तो वहां पे जाके अभी फिलहाल रुका हुआ है। अगर फिर से कल पीयूसी बैंक में कोई नेगेटिविटी आए नीचे और बैंक बड़ौदा दिख रहा है नीचे आ रहा है, तो डेफिनेटली 93 तक अपना टारगेट्स फुलफिल करने डेफिनेटली आएगा। मगर आपको अगर दिखता है कि कल पीयूसी बैंक में ऊपर चलने जाने की कोशिश कर रहा है और सुबह 15-20 मिनट से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न जो इसकी नेकलाइन है वो 97 है, जो इसका रेजिस्टेंस भी है अभी,
सो उसके ऊपर अगर चलते हैं तो आप कैंडलस्टिक पैटर्न देख के इसमें बाई लगा सकते हो, वो 99 से 100 रुपीज तक फिर से एक दो दिन में चले जाएंगे। तो बैंक बड़ौदा कल के लिए आपके वॉचलिस्ट में होना चाहिए। आज जो तीन स्टॉक्स मैं ऐड कर रहा हूँ वो है ICICI प्रूफ। देखिए एक चैनल है, उस चैनल के अपर चैनल को ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है ICICI प्रूफ। अगर ब्रेकआउट करता है तो 445 या 440 तक इसकी संभावना एक दिन या डेढ़ दिन में जाने की है। तो डेफिनेटली ये वॉचलिस्ट में रखना चाहिए आपको। नीचे की चैनल अगर ब्रेक करता है तो सामने एक छोटी सी माइनर सपोर्ट है, वो 410 तक है। 410 के नीचे अगर सस्टेन करता है तभी आपको सेल करना है, फॉलो रखना है। 400 रुपीज तक इसकी एक सपोर्ट है जो आपकी टारगेट होगा अगर 410 के नीचे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो। मगर इसकी चांसेस थोड़ी सी ऊपर जा रहे, देखिए धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। मार्केट भी अगर पॉजिटिव मिलते हैं आपको तो डेफिनेटली और भी हेल्प होगा कल के लिए। ICICI प्रूफ डेफिनेटली आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक्स मीडिया से है, PVR। ये भी एक ट्राइंगल पैटर्न से है या चैनल बेल्ट जो भी कह दीजिए। आपको समझ में आ रहा है ये चीज ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर अगर ब्रेक करते तो 1645 से 1650 इसका पहला रेजिस्टेंस है जो आपको फॉलो रखना है कल के लिए। नीचे अगर ब्रेक करते पहले तो उसकी चैनल को ब्रेक करना होगा, तो बहुत दूर है। चैनल ब्रेक करने के बाद नीचे देखिए थोड़ी इस चैनल को एज अ रेजिस्टेंस मान रहा है या नहीं, ये जो ट्रेंड लाइन है नीचे का, इसके नीचे जाके इसको ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस मान रहा है या नहीं, फिर नीचे आ रहा है तब जाके आप 1550 से 1545 इसकी सेल के लिए मतलब शॉर्ट करने के बाद आपको टारगेट रखना है। ऊपर जाएगा तो 1645 से 1650 इसका पहला रेजिस्टेंस है जो आपके बाय के लिए टारगेट्स होंगे। लास्ट स्टॉक्स नॉट द लिस्ट IT से इंफोसिस। सो इसमें भी एक ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट करने की कोशिश है, ऊपर जाने की कोशिश करो। ऊपर जाएगा तो बेहतर होगा, 845 से 850 इसका टारगेट पहला जो होगा वो पहला आपका टारगेट होगा, या 850 847 जो भी है, 847 ही आप रख दीजिए इसका पहला टारगेट। नीचे का अगर ट्रेंड लाइन का नीचे ब्रेक डाउन होता है तो 810 से 810 इसकी पहली सपोर्ट होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होगा। ये तीनों स्टॉक्स आप ऐड कीजिए, उसके साथ साथ ICICI प्रूफ, PVR और इंफोसिस के साथ साथ बैंक बड़ौदा, ग्रासिम और कोलपैल, इस 6 स्टॉक्स को कल के लिए आप वॉच लिस्ट में रख दीजिए, बेहतर होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव है। अगर इन्फॉर्मेटिव है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।